नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हमारी खास मेहमान हैं सितार वादक रेशमा श्रीवास्तव जी। और दिलचस्प बात यह है कि परिवार में संगीत के, नृत्य के, ग्रामर को लेकर तो बहुत काम हुआ है, लेकिन स्ट्रेट सीधा संगीत से जुड़ना, कलाकार बनना, ये कैसे शुरू हुआ, इन सब चीजों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले रेशमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, थैंक यू सो मच, आपने हमें इनवाइट किया, इस लाइक समझा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पहला सवाल तो यही, चूंकि
हम लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आप किस परिवार से आती हैं, वहां पर रागों को लेकर, ताल को लेकर कितना काम हुआ है किताबों के स्वरूप में। लेकिन आपने सितार वादन चुना, इसकी वजह क्या थी? तो मतलब आपने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं भी ये जो लिखा पढ़ा जा रहा है इसी में आगे बढ़ जाऊं, बिल्कुल आर्टिस्ट बिल्कुल बनना? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली क्या था कि बचपन से फैमिली में ये है तो आपके पास ज़्यादा चॉइस नहीं होती है, आपको सुनना ही, आप पैदा हुए हैं तो आपको सितार तबला गाना सुनते हुए ही पैदा होना है। और शुरू में मैंने डांस से स्टार्ट किया था, कथक से, पर मेरी सिस्टर भी डांस करती है, करती थी जब वो यंगर थी, पर उसने, वो ज़्यादा अच्छी थी तो मुझे लगा अच्छा ऐसा स्कोप इसमें कम है क्योंकि एक ज़्यादा अच्छा कर रहा है। और फिर गर्मी के टाइम में ये होता था कि हम लोग, पापा नैनीताल में पोस्टेड थे, कुमायूं यूनिवर्सिटी में, तो सारे रिलेटिव्स तो गर्मी के टाइम में उधर आने ही हैं, तो चाचा भी आते थे और पापा और चाचा प्रैक्टिस करते थे। सो दैट टाइम मुझे लगा कि ये फील्ड अच्छी है और मुझे शौक था। तो फिर उसके बाद तो चाचा के पास शिफ्ट हो गए कानपुर, वहाँ पे रह के सीखा बचपन में, आए मेरे ख्याल से 7-8 साल के, 7 साल के, 6 साल के, ऐसे ही थे, बहुत छोटे थे जब सेकंड थर्ड में पढ़ रहे थे। और इतना इतना फनी भी है और मज़ेदार होता है क्योंकि हम लोग श्रीवास्तव हैं और हम लोग के कायस्थों में तो कलम दवात की पूजा की जाती है, और पापा हमेशा, पापा ने इतनी किताबें लिखी, ताऊ जी ने कितना लिखा, चाचा ने लिखा, और मेरा ये था कि इतना इंटरेस्ट नहीं था, मम्मी को था कि यार कायस्थ के घर में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन फर्स्ट डिवीजन से होना बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ तक किया था। और कई बार पापा ने कोशिश किया तो मेरे से पूछा था कि तुम पीएचडी करोगी, तो हमने हमेशा पापा को बोला पापा ये सब लिखा पढ़ी एमए तक की बात हुई थी वो कर लिया, बुढ़ापे में कोई ना कोई यूनिवर्सिटी हो सकता, माला वाला पहना के डॉक्टरेट दे दे तो मेरा काम चल जाएगा, लेकिन हमको इंटरेस्ट भी कम, और ये भी है कि आप उस तरफ जाएंगे तो प्रैक्टिकल फील्ड थोड़ा छूटने लगती है, तो वो हमको नहीं छोड़ना था तब भी और अभी भी। तो इस वजह से मैंने कभी जॉब भी नहीं किया कि जॉब करेंगे तो पता है कि मेरा डाइवर्ट हो जाएंगे और प्रैक्टिकल ही ज़्यादा भाया मुझे इजी भी लगा कि ये इजी है यार, ये करते रियाज मारना अच्छा है कि 10 घंटे बैठ गए बजा लिया, तो इस वजह से कभी नहीं सोचा है। पुष्पा जी, हम जब भी इस इंटरव्यू सीरीज में कलाकारों से बात करते हैं तो उनसे हमेशा ये गुजारिश करते हैं कि वो अपने गुरुओं को भी स्मरण करें, उनके बारे में भी बताएं। और आपसे तो इसलिए हम और ज्यादा ये गुजारिश करेंगे क्योंकि हमने तो कह दिया कि आपके पिताजी और चाचा जी ने बहुत लिखा है, लेकिन मुझसे बेहतर आप ये बता पाएंगी कि चाहे वो राग परिचय हो या ताल परिचय हो, वो जो काम है उनका इतना विस्तृत, उसके बारे में थोड़ा बताइए। बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। एक्चुअली पापा ने और दाऊ जी दो लोगों ने, मेरे छोटे चाचा जो मेरे गुरु भी रहे हैं, उन्होंने ज़्यादा नहीं लिखा है किताबें, लेकिन ताऊ जी ने, हरीश ताऊ जी ने और पापा, इन लोगों ने घर घर पहुंचाया। आपको बताऊँ शिवेन जी, हम लोग लॉस एंजलिस में थे, पापा भी आए हुए थे क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम वहीं पे यूएस में ही बीता है पिछले 25 सालों में, तो पापा भी आए थे, हम लोग का कॉन्सर्ट था लॉस एंजलिस में, तो हम लोग के पास एक शाम अर्ली आ गए थे, तो हम लोग सिर्फ घूम टहल रहे थे क्योंकि पापा सेकेंड या थर्ड टाइम आए थे, तो वो शौक होता है कि चलो बाहर घूम के आते, देखते हैं लॉस एंजलिस मैप में देखते हैं लोग, तो ये था कि आप भी चलिए और देख के आते हैं। तो हम लोग घूम रहे थे और वहाँ पे एक गुरुद्वारा दिखाई पड़ा, वहाँ पे शब्द चल रहे थे, तो ये हुआ कि भारत में शायद दिखे तो हम लोग इतना एक्साइटेड नहीं हो, लेकिन अगर बाहर कोई इस तरह की चीज़ें जो अपने कल्चर से, अपने संस्कार से रिलेटेड होती, तो वो एक्साइटमेंट वो अलग ही किस्म का होता है। एक भूरे रंग का कोई दिख जाता है तो वो अपना भाई ही लगता और कोई नहीं लगता, तो वो था। तो पापा ने कहा चलो यहाँ पे चलते हैं देख के आते हैं, तो वहाँ पे शब्द चल रहे थे, गा रहे थे, बजा रहे थे, तो हम लोग भी जाके बैठे हुए थे वहाँ पे। जब सब ख़त्म हो गया तो वो लोग खुद से आए कि आप लोग नए लग रहे हैं क्योंकि आप रेगुलर यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ते हैं, आप लोग कहाँ से आए हैं, जनरल एक बातचीत होने लगी, और दो पर्सन हुआ सिंगिंग बहुत प्यार से बजा रहे, गा रहे थे, और तबला बहुत अच्छा सा बज रहा था। तो पापा ने उनसे पूछा आप कहाँ से हो, तो वो पंजाब से हैं और
यहाँ कब से रह रहे हैं और कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बोला कि मैंने सीखा तो बचपन में है, लेकिन यहाँ पे बहुत टाइम से अमेरिका में रह रहा हूँ, और मैं जितना भी मैंने सीखा है वो एक किताब है, उसी को पढ़ के सीखा है। और उन्होंने वो किताब निकाली, वो ताऊ जी की थी, राग परिचय। और जब पापा ने बताया कि ये मेरे बड़े भाई ने लिखी हुई है, तो जो दूसरे वाले थे उन्होंने ताल परिचय निकाल के दिखाई कि ये फिर कौन है? पापा ने कहा ये मैं हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो मैं बगल में जैसे गीता की तरह दबा के हम लोग रहते हैं, क्योंकि कहीं भी फंसते हैं इसको खोल के हमको आंसर मिलता है। तो ये था कि ये मतलब हम लोग, मुझे उस समय इतना घमंड नहीं होता था अपने पापा पे या ताऊ जी पे, अब क्योंकि वो लोग नहीं है, एक ह्यूमन नेचर है कि तब आप रियलाइज़ करते जब आपके हाथ से कुछ निकला हुआ होता है, कि इन लोगों ने जो किताबों के माध्यम से जो काम किया है या बच्चों को जो सिखाया है और अभी भी सीख रहे हैं। दुनिया भर में किताबें चल रही हैं और ताऊ जी तो, पापा तो हम पापा के साथ में रहे हैं। पापा इवन वो 2002 में पैरालाइज्ड हो गए थे, तो उनका लेफ्ट साइड पूरा पैरालाइज था, बावजूद उसके पापा ने अपने जाने के एक महीने पहले तक आर्टिकल्स लिखे, और इतनी ज़्यादा तादाद में हो गए थे पापा के आर्टिकल्स, क्योंकि पापा सुबह उठ के टेबल पे बैठ गए, पापा का राइट साइड एकदम परफेक्ट था, ब्रेन बिल्कुल परफेक्ट था, आँख बहुत अच्छी थी। तो पापा सिर्फ सुबह उठ के लिखते थे, और हम लोग बोलते थे पापा अपने को आप क्यों टॉर्चर कर रहे हो, क्योंकि पापा का पैर सूज जाता था क्योंकि एक तरफ वेट ज़्यादा पड़ता था। और उसके बाद ये था कि उस उन आर्टिकल्स का करना क्या है, तो पापा अपने स्टूडेंट्स को फ़ोन करके सुनो आओ, तो मम्मी को भेजते थे जाओ ज़रा टाइप करा के ले आओ, और वो बोलते थे अब बेटा अपना नाम लिख के कहीं रख लो, तो कहीं जॉब वॉब में जाओगे लोग पूछते हैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह लिखें, दिखा देना, पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आ रहा हम हैं, बहुत तो एक दो शब्द बदल लो तो तुम्हारा हो जाएगा। तो ये जो देने की चीज़ें थी कि कितना किसको ज्ञान दे दे, वो पापा में भरी थी, ताऊ जी का भी था। जब पहुंच जाओ हाँ बेटा कौन सी राग बजा रही हो, यहाँ से उनके क्वेश्चन ये सब नहीं, और कैसी हो, खाना खाया नहीं, ये सब से कोई मतलब नहीं, कौन सी राग बजा रही हो आजकल, बताया सब उसके बारे में। तो ये जो इन लोगों की टेंडेंसी थी वो मेरे में भी बिल्कुल नहीं है, और जल्दी लोगों में नहीं दिखती, स्पेशली जो टीचर्स होते हैं वो लिमिटेड देते हैं कि भाई तुम्हें इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है जाओ। और यहाँ हमने पापा को देखा कि आओ बेटा और बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी आई हैं, लेकिन उन लोगों को तो छू पाना बहुत मुश्किल है। पापा को तो कहीं से हम समझ ही नहीं सकते कि आई कैन गेट एनी वर क्लोजर टू वट ही अचीव्ड। उन्होंने जो ज़बरदस्त काम किया है, इन दोनों भाइयों ने, चाचा ने भी, तीनों भाइयों ने संगीत के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया, बहुत ज़्यादा लकी हम। अच्छा रेशमा जी, ये जब पापा चाचा या ताऊ जी के अंदर हम जो पुस्तक के फॉर्म में हमने उनका काम देखा, या चाचा जी ने तो आपको सिखाया भी, इनके अंदर संगीत के लक्षण कहाँ से आए थे? क्या कोई परंपरा थी, या ये इन्होंने बचपन में सीखा, मेहनत की, अपना समर्पण दिखाया और फिर वो पारंगत हुए? जी कोई नहीं थी, मेरे जो बाबा थे मैंने उनको कभी नहीं देखा एक्चुअली, ही पैस्ड अवे बिफोर मेरे पैदा होने के। तो वो बाबा रेलवेज में थे, और पापा ताऊ जी और चाचा एक इलाहाबाद में एक बहुत पुराना मोहल्ला है अहियापुर, वहाँ पे घर था, उसी के पास में हरिप्रसाद चौरसिया जी का घर था, उसी के पास में रॉबिन चटर्जी के बड़े भाई आसपास में रहते थे, और एक शर्मा चाचा जी वहाँ पे जालंधर में, मैं उनका नाम भूल गई, बहरहाल सारे लोग आसपास में रहते थे। तो ये लोग शौकिया इन लोगों ने गाना बजाना शुरू किया था, और शाम को सारी महफिल जमा हो जाती थी वहाँ पे, सब बैठ के गाते बजाते थे ये लोग। और पापा हमेशा बोलते थे जब हम लोग अच्छे से इस्टेब्लिश हो गए, पापा मतलब वेल ऑफ हो गए, तो पापा बोलते थे कि अब लगता है बाबू जी को होना चाहिए था, क्योंकि वो हम लोग से हमेशा बोलते थे बेटा शौक के लिए तो अच्छा है, खाओगे क्या, नौकरी नहीं करोगे तो तुम खाओगे क्या, बड़े हो जाओगे शादी करोगे पालोगे कैसे। और पापा कहते थे हम ये चाहते थे कि बाबूजी एक बार देखें कि हम तीनों भाई सिर्फ संगीत का खा के यहाँ तक आए हैं,
और इतना दिया है भगवान ने कि हमको कहीं कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो इन लोगों ने अपनी मेहनत से, पापा ने जो ताल परिचय भाग एक है तब लिखा जब पापा ने बस इंटर पास किया था, तो पापा के कहते थे हमेशा कि तो मुझे यही लगा कि अगर कोई हाई स्कूल में होगा और वो तबले का एग्ज़ाम देना चाहेगा तो उसकी थिंकिंग में क्या क्या आएगा, उसका स्टैंडर्ड क्या है। आप एक एमए के स्टैंडर्ड की क्वेश्चंस आप हाई स्कूल में नहीं पूछ सकते क्योंकि उसका दिमाग वहाँ तक नहीं जाएगा। सो उन्होंने जिस तरह से किताबें पापा ने जो अपनी लिखी हैं वो ये सोच के कि अगर ये 16 साल का है तो इसका कहाँ तक का है लेवल और कहाँ तक के क्वेश्चंस इसके लिए अच्छे हैं। तो इसीलिए पापा का जो भाग एक है, भाग दो है, तीन है, उसके बाद जितनी भी किताबें सब ये सोच सोच के। तो इन लोगों की सिर्फ अपनी मेहनत है, भगवान का साथ है, सरस्वती माँ की कृपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, वही है, बाकी कोई बैकिंग पीछे से किसी की भी नहीं थी क्योंकि कोई था ही नहीं म्यूज़िक लाइन में, पापा लोग फर्स्ट जनरेशन के थे। ये तो और ज्यादा चौंकाने वाली बात है जिस तरह से उनके काम का विस्तार है। और अपने सब्सक्राइबर्स को मैं बता दूं कि आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में जहां उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत जो हमारा है उसको लेकर जाएं और कहें कि हम कुछ पढ़ना चाहते हैं या हम कुछ सीखना चाहते हैं या फिर आप ताल पर कुछ काम करना चाहते हैं तो ताल परिचय में किताब मिलेगी आपको, वो जीसी श्रीवास्तव जी की मिलेगी। और अगर आप राग परिचय में जाएंगे तो हरिश्चंद श्रीवास्तव जी की मिलेगी। और रेशमा जी आपको एक चीज और बताएं, तीन चार साल पहले बल्कि 5 साल होने को आए, एक वेबसाइट के लिए हमने एक कॉलम शुरू किया और उस कॉलम का आधार ये था कि हम भारतीय फिल्में, हिंदी फिल्मों में जो गाने शास्त्रीय राग पर आधारित हैं उन गानों को ढूंढते थे और उन गानों के बनने की प्रक्रिया पर लिखते थे। तो उस पूरे कॉलम में मुझे लगता है 60 के करीब हमने राग ढूंढे और मुझे संगीत का कोई आइडिया नहीं है उसमें, इलाहाबाद के ही हम लोग एक मित्र हैं, आप संभवतः जानती भी होंगी, गिरिजेश, तो वो हम लोग मिलके काम कर रहे थे उस प्रोजेक्ट में। तो होता ये था कि गाना तो ढूंढ लिया कि साहब ये गाना राग खमाज पे है या किरवानी पे है या फलाने पे है, ठिकाने पे है, उस गाने के बनने की कहानी भी लिख दी, लेकिन अंत में उसमें एक पैरा लिखते थे कि वो राग दरअसल शास्त्रीय राग की जो परिभाषा है वो क्या है। और वो तो हम पूरा का पूरा उठा के राग परिचय से आंख मूंद के उठा के देखते थे और छापते चले जाते थे कि बस बस ये तो अपना ही है, इसमें तो किसी से पूछना नहीं है और स्टैम्प्ड है, इसमें कोई कुछ ये नहीं कर सकता है कि भैया ये गलत लिख दिया। बिल्कुल सही। बाद में वो रागगिरी के नाम से वो किताब भी प्रकाशित हुई और बहुत सराही गई क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग किस्से थे, शास्त्रीय संगीत का भी उसमें पूरा का पूरा पहलू था। खैर आपके लिए एक और सौभाग्य की बात रही होगी या आपके लिए एक और अच्छी बात रही होगी कि जब आपने कहा होगा कि मुझे अब प्रोफेशनली म्यूजिक में, संगीत में ही जाना है, सितार बजाना है, तो कोई अड़चन कम से कम परिवार की तरफ से नहीं आई होगी। कतई नहीं शैलेन जी। शिवेन जी होता क्या है, यूजली भारतीय परिवार में लड़की है उसको खाना बनाना आना ही चाहिए और घर का काम तो वो आपके खून में होना चाहिए। और यहाँ मेरे साथ ये था कि जब रियाज करने का टाइम होता था तो पापा मम्मी को ये बोलते थे, सुनो पानी नहीं मांगना इससे अभी कोई, मम्मी भी नहीं बोलती थी, मम्मी ने कभी नहीं कहा कि बेटा तुम्हें रोटी पकानी तो आती नहीं, ज़िंदगी में करोगी क्या। ये था कि जब आएगा टाइम सीख लोगे, सब लोग सीखते हैं, कोई हर कोई बचपन से नहीं बनाता है। तो कभी भी ये प्रेशर नहीं हुआ कि तुम बताओ बैठी हो सितार लेके बैठ गई अब क्या होगा घर पे कैसे होगा। नेवर 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 हम प्रोग्राम्स में जा रहे हैं, हम एक महीने को जा रहे हैं, हम बजा रहे हैं, क्योंकि उस समय तो एक जोश होता था कि 8 घंटे तो रियाज होना ही है, सुबह 4 से 8 बैठना, शाम को 4 से 8 बैठना। और इवन पापा वो सोते भी रहते थे, जहाँ पे हम बजा रहे होते पहले आके बैठते थे मेरे साथ रियाज करते थे, कभी थक जाए या कुछ तो वहाँ पे ही लेटते थे, ऐसा नहीं कि रूम में जाके ले, जहाँ तुम रियाज कर रही वहीं पे बैठेंगे। इवन जब पापा को स्ट्रोक हो गया था हम कहाँ भी सितार बजाने बैठते थे, पापा वहीं पे आते थे, वहीं पे बैठते थे और सिर्फ सुनते रहते थे। और अब याद आती है कोई भी नया राग बजा रहे हो, हमने कुछ लिया हो तो पापा कहाँ पे भी सो रहे होंगे, आते थे बेटा रिकॉर्ड कर लो, तो हम बोलते थे पापा आज पहली बार बजा रहे कौन सुनेगा, हम नहीं सुने, मैं सुनूंगा
रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी, बहुत अच्छा बजा रही, बहुत अच्छा बजा रही, चलो। और अगर रियाज करने बैठ गए और उस समय ये पता है कि बस आधे घंटे में उठना है क्योंकि कुछ काम है या क्या है, अब पापा जैसे आए लगे हे भगवान, अब पापा बोलेंगे बेटा सारे काम लिए, चलो हम गिनर 100 तक करो, 1 2, बोले पापा अभी नहीं प्लीज़, क्या नहीं, तुम कहाँ जाओगे, पिक्चर देखने जाओगे, अमिताभ बच्चन को देखोगे, अपना नहीं अमिताभ बच्चन बनना है तुमको, तुम नहीं चाहती कि तुम टीवी पे आओ तो लोग तुमको देखे, तुम किसी और को, मतलब हम बोलते थे पापा हमने पूरा ख़त्म कर दिया पिक्चर का मज़ा अगर हम लोग देखने जा रहे हैं, हमेशा पापा का यही था कि बेटा तुम खाओ खेलो कूदो सो और रियाज कर लो, पढ़ाई तो होनी है क्योंकि लाला के घर की लड़की हो, बिना टॉप करे तो तुम्हारा कुछ हो नहीं सकता भविष्य में, इसलिए वो तो करना ही है, लेकिन बाकी तुम्हें करना क्या है, तुम्हें किस चीज़ की चिंता है। इवन पापा का जो था हमारे साथ में, वो जब पैरालाइज थे तब भी वो हर साल मेरे पास US आते थे 6 महीने के लिए, और वो बेसिकली इसलिए आते थे कि तुम अब बच्चों को छोड़ो, हम और मम्मी हैं यहाँ पे, तुम जो अपना कौन से टूर संभालो। तो उस समय हमें यूरोप जाना होता था, हम 2 महीने को चले गए, और नया देश है पापा लोगों के लिए, ड्राइव भी नहीं करते थे, लेकिन हमारे इन लॉज भी बहुत अच्छे, वो लोग पूरा सपोर्ट करते थे, लेकिन इतना सपोर्ट मिला है मम्मी पापा दोनों से अभी तक, अभी तक का ये है कि तुमको सिर्फ इसी लाइन में रहना है, तुम करो, हम लोग साथ देंगे, तुम क्या चाहती हो बोलो, तुम बस रियाज करो। तो इतना सपोर्ट, बहुत हार्ड है, जो सच बात है, जो फैक्ट है, वो जल्दी नहीं मिलता। आई मीन बॉटम लाइन क्या होती है कि अच्छा 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 चलो हो गया हो गया हो गया, चलो उठो पहले अभी ये कर लो, ऐसा नहीं था। पापा को हम काम वाली नहीं आती थी, सफाई करे पापा के बेटा ताजमहल बनाओगे क्या घर को, इससे अच्छा हाथ में सफाई कर लो रियाज करके तो वो तुम्हें काम आएगा। तो वो सारी जो चीज़ें हैं वो शायद हम भी अपने बच्चे को इतना सपोर्ट शायद ना कर पाए, सोच के माँ यार रुक जाओ पहले जाके ये करो। पापा बोलते नहीं, मम्मी को भी अभी तक है कि अभी इंटरव्यू हो रहा है तो मम्मी ने कहा तुम जाओ, वो हमारा छोटा सा डॉग भी कि वो सब सब हम लोग संभाले, तुम जाओ। तो ये बहुत लकी होता है, इसीलिए जो अभी तक कुछ भी जो भी अचीव हुआ है वो इसी वजह से हुआ है क्योंकि घर का पूरा सपोर्ट हुआ है। रेशमा जी, हम एज आउटसाइडर जब शास्त्रीय संगीत की दुनिया में नजर डालते हैं तो एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल कर आता है कि साहब ये फलां आर्टिस्ट हैं और इनके तो 500 साल से इनके यहाँ सरोद बजाया जा रहा है या सितार बजाया जा रहा है या तबला बजाया जा रहा है। और कई बार ऐसा होता है कि एक कलाकार जिसकी इस तरह की कोई पृष्ठभूमि ना हो उसको एप्रिसिएशन मिलना या उसको प्रोग्राम मिलना या उसको अच्छा गुरु मिलना भी बहुत चैलेंजिंग होता है। आपको कभी इस बात का अफसोस हुआ या आपको लगा कि यार मतलब बजाते बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, 8 घंटे का रियाज है, पिताजी का इतना काम है, चाचा का इतना काम है, ताऊ जी का इतना काम है, लेकिन उतना नाम नहीं है, कभी इस बात को लेकर अफसोस हुआ? बहुत बहुत बहुत। अभी तक होता क्या है कि अब जो जितना भी हम देख रहे हैं भारत में, बाहर मुझे पता है कि मेरी अपनी ऑडियंस है क्योंकि हम करीब 25-28 साल से US और यूरोप में ट्रेवल कर रहे हैं, रह रहे हैं, तो वहाँ पे मेरी है ऑडियंस और वहाँ पे इसका भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पीछे बैनर में क्या लिखा हुआ है, आप किस, कौन आपको सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, मैं आपको एक कड़वा वाला सच बताऊँ, यहाँ पे अभी जब अर्धकुंभ हुआ था, 2 साल हुए ना, आई थिंक 19 में था क्या, 2019 में शायद अर्धकुंभ था, 18 या 19 में था, और ये था कि कितने हजारों आए होंगे लोग जिन्होंने 45 दिन गाना बजाना चल रहा था, हर टेंट में कुछ ना कुछ चल रहा था। इलाहाबाद में ही थे हम, मुझे एक प्रोग्राम नहीं मिला था क्योंकि हम किसी को नहीं जानते हैं कि हम उसके पास जाके बताते कि देखिए भैया हम भी बजा गा रहे, नहीं मिला था। तो वो हम तो बहुत झेल रहे, मेरे पास कोई बहुत बड़ा सा बैनर नहीं है, पापा पिछले 18-19 साल जो पैरालाइज थे तो पापा वॉज मोस्टली बेड पे ही थे, बेड पे थे भी नहीं थे लेकिन ट्रैवल नहीं कर रहे थे जैसे पहले करते थे, और हमारा इंडिया से काफ़ी
95 से हम US में रहने लग गए थे, तो इस वजह से थोड़ा सा टच कम हुआ था, टच था भी, लेकिन आपको हमेशा वो चाहिए ना कि आप एक बड़ा सा नाम आपके साथ में जुड़े तो फिर आपका नाम हो। और मेरे को बटरिंग नहीं आती और ना ये कहना आता है कि भाई आप तो मेरे माई बाप हो, नहीं तो नहीं, मेरे पास मेरे माई बाप दोनों हैं, तो हम किसी और को अपना माई बाप नहीं बनाते किसी भी काम के लिए। तो फिर हम घर में बैठ के सारे गमा पादनी से रोज़ करते हैं और रोज़ यही सोचते हैं कि कभी ना कभी कुछ ना कुछ होगा। लेकिन जो आप कह रहे हैं ये बहुत बड़ा और बहुत गंदा वाला सच है, बहुत गंदा वाला सच है, क्योंकि लोग इतना इनकैश करते हैं कि फलाने के फलाने हैं और मेरे अब्बा जान और मेरे बाबा जी और मेरे दादाजी उन्होंने जो काम किया है वो अभी तक इनकैश कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं हम ये बाद में बताएंगे कि हम कौन हैं, हम पहले ये बताते हैं कि मेरे ग्रैंडफादर कौन थे, और हम वहाँ से नहीं स्टार्ट करना चाहते, हम ये बताना चाहते हैं आप मुझे सुनो और अगर अच्छा लग रहा है तो मैं बताती हूँ मैं कौन हूँ। तो फिर हम घर पे ही बैठे होते हैं मैक्सिमम लेकिन क्या करें क्या करें, आपके पास एक 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 और एक किस्सा है इसी के बारे में। एक्चुअली जब मैं फ़र्स्ट टाइम US में गई थी तो अली अकबर खान साहब का बहुत बड़ा बहुत सुंदर स्कूल उन्होंने बनाया है कैलिफोर्निया में, और जहाँ पे हमारा घर था उससे मुश्किल से आधे घंटे की ड्राइव पे था। तो जब फर्स्ट टाइम हम गए वहाँ पे, जो कि मुझे बहुत शौक था कि देखिए कैसे होता है, ये बता रहे हैं हम आपको 1996 का, तो उनका एक छोटा सा बाहर से लग रहा था कोई छोटा सा जैसे कमरे जैसे, और फिर सीढ़ी पतली पतली से ऊपर चली जा रही है, और ऊपर जाके पता चला एक बहुत बड़ा सा हॉल है। खान साहब तख्त पे बैठे हुए थे हारमोनियम लेके, और जितने भी आप वाद्य सोच सकते हैं सब एक कोई ना कोई लेके बैठा था, वायलिन हो, चेलो, सितार, गिटार, बांसुरी, तबला, पखावज, हारमोनियम, पियानो, मतलब आप बस नाम लीजिए, और सब लोग को खान साहब सिखा रहे थे, वो बजाते जा रहे थे, कोई भी एक कंपोजिशन था सब लोग बजा गा रहे थे। तो हमने उनको आराम से सुना, उसके बाद फिर खान साहब आए, मैंने पैर छो उनको बताया कि मैं कहाँ से हूँ, और तो उन्होंने कहा अरे इलाहाबाद में तो बिटिया पहला ज़िंदगी का परफॉर्मेंस मैंने इलाहाबाद में दी है प्रयाग संगीत समिति में। और फिर उन्होंने पूछा मेरे बड़े पापा के लिए, पापा के जो गुरु जी थे लालजी श्रीवास्तव बड़े पापा, तो क्या तुम उनको जानती हो? हमने कहा वो तो मेरे बड़े पापा हैं। तो उन्होंने बोला अच्छा, तो हमने पापा का नाम बताया, तो सपन चौधरी जी भी वहाँ पे थे, तो उन्होंने कहा आप गिरीश जी की बेटी हैं? कहा जी मैं गिरीश जी की बेटी हूँ। तो फिर खान साहब ने पूछा क्या करती है बिटिया, तो हमने बताया खान साहब सितार बजाते हैं, कि चलो मेरे स्कूल में आ जाओ, संडे हर संडे एक एक प्रोग्राम होते हैं, संडे को बजा दो। तो फिर हम लोग ने डिस्कस करके वो चले गए थे खान साहब, फिर एक संडे का फिक्स हुआ, हमने बजाया उस संडे को। खान साहब को नहीं पता था, उनकी तबीयत ढीली थी, वो आए नहीं, उनको बाद में पता चला कि बजा रहे, तो उन्होंने मुझे घर बुलाया कि तुम घर आओ, मुझे यहाँ पे किसी ने शिशिर कनाधर चौधरी जी वहाँ पे पूरे टाइम रहती हैं वायलिन में, तो उन्होंने बताया कि खान साहब बहुत गुस्सा है कि उनको हमने रुकने बताया नहीं, आप जाके मिल लीजिए। मैं गई मिलने और बहुत अच्छे से मुलाकात हुई, उन्होंने इतने प्यार से मुलाकात की हम लोगों से। फिर मुझसे मेरे एक दोस्त ने कहा तुम जाके उनसे गंडा बंधा लो, प्राइवेट क्लासेस ले लो, उनके काफ़ी एक्सपेंसिव फीस थी, क्या मैं दूंगी तुम ले लो, उसके बाद जो तुमको बैनर मिलेगा ना तुम बिलीव नहीं कर पाओगी। मैंने कहा मैंने ज़िंदगी भर चाचा से सीखा, एक बैनर के लिए मैं गंडा बंधवा लूँ किसी से जाके, खान साहब से, वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी। पर उस समय मेरे दिमाग में सिर्फ ये आया कि क्या सिर्फ कि मुझे कॉन्सर्ट मिले उसके लिए मैं ये करूं, वैसे करूं सीखने के लिए तो ठीक है, लेकिन ये दिमाग में क्योंकि थॉट ये इसी तरह से डाला गया कि तुम्हारा ना फिर US में सेट है समझ लो। नहीं कर नहीं, फिर गए हम खान साहब के पास बहुत बार, उन्होंने बहुत बार बोला बेटा क्लासेस चलते हैं कभी आओ, पर हमने कहा हम उनका यूट्यूब से सुन के सीख लेंगे लेकिन कि अपने अंदर ये गिल्ट हम नहीं लेना चाहते कि हमने किसी को इसलिए यूज़ किया क्योंकि मुझे बड़ा बैनर मिला और वो मिल जाता, मुझे मालूम है मेरे लिए बहुत आसान हो जाते रास्ते अमेरिका में क्योंकि एक खास साहब का नाम होता मेरे साथ में और अच्छा लगता, पर वो आइडिया गलत था।
कि मैं इसलिए लूँ कि मुझे फ़ायदा मिले। तो अभी भी बैठे हम घर पे ही बैठे बजाते हैं, लेकिन इतना नहीं जितना शायद हमको मिल सकता। कभी रेशमा जी कोई ऐसा कार्यक्रम याद आता है जिसमें सामने चाचा पिताजी और ताऊ जी तीनों लोग बैठे हों, और अगर ऐसा कोई कार्यक्रम याद आता हो तो उस दिन दिलो दिमाग की क्या स्थिति थी? तीनों हमें नहीं याद है एक साथ में रहे हों, लेकिन हाँ पापा और चाचा, पापा और ताऊ जी, पापा और चाचा हमारे साथ में बैठे हैं। और नोएडा में कार्यक्रम था, हाँ तो ठंडे थे क्योंकि चाचा से मुझे इतना ज़्यादा शायद जिंदगी में किसी वो जितना डर उनके साथ मुझे रहा है। इवन मैं रही हूँ 3-4 साल 5 साल चाचा के पास, उस वो भी बचपन में, 7th के बाद हमें इलाहाबाद आ गए थे तो समझ लीजिए बचपन था। और इस एज तक में चाचा सामने दिख जाए और हमें लगे मम्मी हमें नहीं मिलना है, उनके सामने नहीं जाना, इतना डर बैठा था। और चाचा सामने बैठे और मैं पापा को बोल रही हूँ ये कहीं जा नहीं सकते, तो पापा ने कहा तुमको तो खुश होना चाहिए। अरे मुझे नहीं, हम जितना बजाने वाले हैं सब दिमाग से हट जाएगा, जाते क्यों नहीं, कहीं चले जाए या पीछे चले जाए, मेरे सामने नहीं बैठे। तो ये था, पापा ने तब भी बोला था कि देखो ये तुम्हारे ये चैलेंज है कि तुम अपने गुरु को इतना खुश करो बजा के कि वो खुद उठ के तुम्हारे पास आए। तो वो हुआ था, चाचा आए थे और बहुत ज़्यादा खुश थे। नोएडा में एक प्रोग्राम था महर्षि महेश योगी जी के आश्रम में, तो बहुत खुश थे। उनको यही था कमरे में तो नहीं बजाती हो ऐसा क्योंकि हम लोग साथ में रुके हुए थे, तो उनको यही लग रहा था कि ऐसे तो नहीं बजाती है। लेकिन तुमने कब, अब उनके सामने हाथ चले तब तो बजाए। लेकिन फिर ये था जब पापा ने ये बोला कि तुम्हारे पास ये चांस है कि तुम उनको प्रूव कर सकती हो कि उन्होंने तुमको सिखा के कोई गलत काम नहीं किया है, उन्होंने तुमको सिखा के बहुत अच्छा किया है, तो फिर मैंने बजाया था। और ताऊ जी के सामने तो इलाहाबाद में कई बार बजा था, और एक बार ताऊ जी मेरे पास US आए थे तो उनको सैन फ्रांसिस्को कॉन्सर्ट में लेके गए, तो बहुत अच्छा कॉन्सर्ट था। तब ताऊ जी तो हमेशा ऐसे ही बोलते थे ठीक किया बिटिया ठीक किया, कहा बस हो गया इतना ही सुनना है, उससे ज़्यादा तो वो लोग भी नहीं बोलते थे। लेकिन पर पापा ताऊ जी और चाचा से बहुत अलग थे। पापा का ये था कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे किसी को भी। इलाहाबाद में पहले 7:30 से 8 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रेडियो से आते थे, अब तो टाइम ऐसे ऐसे स्क्वीज होता जा रहा है, आते थे तो पापा किसी का भी सुनते थे। जब नाम जैसे ही अनाउंस होता था अपनी डायरी खोलते थे, अगर उसका नंबर है उन कलाकार का कैसा भी कार्यक्रम हुआ हो, फ़ोन करके पहला ये सेंटेंस था रहता था हमेशा भैया दिन बना दिया आपने, क्या शुरुआत कराई दिन की। और कभी कभी मेरे को लगता था पापा हमारे प्रोग्राम के बाद तो कोई नहीं बोलता, नहीं बोलता क्या करना, बताओ उसको कितनी खुशी मिली होगी और वो और अच्छा करेगा नेक्स्ट टाइम, ये सोच के कि लोग सुनते हैं। तो ये जो पापा में था ये रेयर है, ये चाचा में भी नहीं था, ताऊ जी में भी नहीं था, और बहुत लोगों को हमने देखा है, घर में बहुत लोगों को देखा है, लेकिन जितना पापा किसी के लिए भी इनकरेज करते थे, किसी का कुछ भी गाया बजाया, लेकिन उस समय पापा सामने ज़रूर बोलते थे क्या बात है बेटा जियो, उसके बाद बोलते थे सुनो थोड़ा सा यहाँ पे इम्प्रूव कर लोगी तो और अच्छा हो जाएगा, बस ये होता, अलग बात होती। इन दिनों किन प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रही हैं? इन दिनों हो क्या रहा है कि क्योंकि अभी तो चीज़ें ऑनलाइन फिलहाल अभी भी चली रही हैं, तो यहाँ पे तो भारत में तो कम है, वही है क्योंकि हम किसी को नहीं जानते, कोई हमको नहीं जानता, ऐसी वाली चीज़ें हैं, इसलिए बहुत कम है, होता है कुछ प्रोजेक्ट्स रहते हैं, लेकिन बेसिकली आजकल हम US के और यूरोप में ऑनलाइन कॉन्सर्ट्स काफ़ी सारे कर रहे हैं, जिसमें वो काफ़ी सारे आयुर्वेद से रिलेटेड लोग रहते हैं जो अपने पल्स डायग्नोसिस को चेक करने के लिए कर रहे हैं, रागों के इफ़ेक्ट देखने के लिए कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, उनका काफ़ी चल रहा है। और कुछ कॉन्सर्ट्स उन लोगों ने एक सीरीज़ शुरू किया था पीस कॉन्सर्ट करके, रशिया और यूक्रेन का जब हुआ, तो उसमें क्योंकि अपने जो शास्त्रीय संगीत की जो जो क्षमता है वो काफ़ी ऊपर है, आप शांति से सुनिए तो आप
कहाँ चले जाएंगे आपको नहीं पता, जो उतनी देर का जो अंदर पीस होता है और जो खुशी मिलती है, तो इसी उससे हम लोगों ने मार्च से वो सीरीज शुरू की है। और तो ये दो प्रोजेक्ट्स हैं जो हम लोग फुल मून पे करते हैं, कि पूर्णिमा पे एक प्रोग्राम ज़रूर ऑनलाइन यूएस में करते हैं, और ये पीस कॉन्सर्ट्स हर हफ्ते कर रहे हैं, तो उसका इफ़ेक्ट भी मिल रहा है लोगों को अच्छा लग रहा है, तो ये चल रहा है। इस तरह के आपके और प्रोजेक्ट्स चलते रहें, और इसके लिए ढेर सारी हमारी तरफ से शुभकामनाएं। आपने समय निकाला इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश यही है, जब आप सिखाएं, आप बच्चों तक जाएं, तो आप कम से कम वो उनके अंदर वो नजरिया विकसित करें कि फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपका गुरु कौन है या आपका पिता कौन है, या फर्क पड़ता भी है अगर, तो पहली चीज ये है कि आपकी साधना कितनी पुख्ता है, आपकी साधना कितनी पवित्र है, आप कितने डेडिकेशन से कर रहे हैं। क्योंकि ये विचार तो बदलना होगा कि हम 500 साल से बजा रहे हैं तो हम महान हैं, और जो पिछली पीढ़ी में कलाकार नहीं थे वो बहुत कुछ कमतर हैं। ये चैलेंजेस खत्म हो, आपके आपके जरिए ये बात निकले, इसके लिए भी हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप आपने लिया इंटरव्यू, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।